इस खतरनाक का बयान रिकॉर्ड करवाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की में पांच रुकनी बेंच ने जब इस पूरे मामले की समात की तो इस समात के दौरान किस किस्म के हैरान कुछ सामने आए इन शवाहिद की बुनियाद पर दसका इलेक्शन का अब किस नोयत का इंत नतीजा आ सकता है और जिस रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाया गया था इस समाप्त के लिए बताया और ये जो किस्सा था, इसके दो किरदार कौन थे हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूम बर वक्त मिलती रहे और अब वापिस आते हैं आज के

एक आला तरीन सतह का इजलास हुआ बड़ा ही हाई पावर्ड इजलास था और ये जो इजलास था इसकी सदारत खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे और पांच रुकनी बेंच था जो इस मामले की समात कर रहा था और जब ये समात हो रही थी तो इसमें रात गए होने वाले दो बड़े ही मजे के और पुरस्कार किस्से भी सुनाए गए इस समात के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाया गया था जो कि उस हल्के में उस इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन्हें कहा गया कि जनाब तशरीफ लाए और हमें बताए कि ये आधी रात को ये जो मामला हुआ जिसमें 20 पोलिंग स्टेशन्स का अमला गायब हुआ तो ये अमला गायब हो गया था और उसके बाद ये धुंध वाला मामला क्या था और उसके साथ साथ कुछ वीडियो जो आम पर आई हैं उनकी असल हकीकत क्या है अब इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने जो बयान वहां पे रिकॉर्ड करवाया उसको आप कह सकते हैं कहते हैं कि बहुत दिलचस्प भी था और वो बहुत पुरसरार भी था ये बयान क्या था उसकी तफसील आपको मुख्तसरन बताते हैं तो मामला ये है कि इस रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हलके में कुल 360 पोलिंग स्टेशन थे और रात पौने दो बजे तक इन 360 पोलिंग स्टेशन में से 305 पोलिंग स्टेशन के नतज आ चुके थे यानी उस वक्त तक पचपन पोलिंग स्टेशन ऐसे रह गए थे जिनके नाइज आना बाकी थे उसके बाद डेढ़ घंटा और गुजरा यानी साढ़े तीन बजे तक तीन सौ सैतीस पोलिंग स्टेशन ऐसे थे तीन सौ साठ में से जिनके नतज का इंदराज हो चुका था लेकिन फिर मामला गंभीर हो गया और इस मामले में एक ड्रामाई मोड आ गया रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिनके के नतज में तख़ीर होना शुरू हो गई उसके बाद उन्होंने एक अजीब किस्सा सुनाया उनका कहना था कि जब हमें पता चला कि ये बीस पोलिंग स्टेशन के नतज में तख़िर हो रही है तो हमने इन बीस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कॉल्स करनी शुरू की हमने मुसलसल उनके मोबाइल फ़ोन पर रबता करने की कोशिश की और इनमें से सिर्फ़ एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसा था जिसका मोबाइल फोन ऑन था और जब हम उसे कॉल कर रहे थे तो उसके मोबाइल फोन पर हम सुन सकते थे कि रिंग हो रही थी लेकिन यह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था यह भी रिंग होने के बावजूद फोन नहीं उठा रहा था अब उनसे पूछा गया कि बाकी जो 19 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके मुतल क्या हुआ जब आपने उनसे रहा करने की कोशिश की तो उस वक्त क्या सूरतहाल पैदा हुई पर ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इन्होंने बताया कि बाकी 19 जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्हें हमने बहुत मरतबा कॉल की लेकिन उनके जो मोबाइल नंबर थे उन पर तो बेल ही नहीं जा रही थी और उनके मोबाइल नंबर स्विच ऑफ थे अब उसके उनसे एक और सवाल, पूछा गया, से सवाल पूछा गया उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि ये जो धुंध वाला मामला बयान किया जा रहा है तो ये जो पोलिंग स्टेशन थे इनका फासला कितना था ये कितनी दूरी पर थे कि धुंध की वजह से इतनी ताखिर हो गई उस पर जो आर थे उन्होंने बताया कि ये जो पोलिंग स्टेशन थे इनका फासला कोई तीस चालीस किलोमीटर का था और तीन पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमारे पास था लेकिन हम इंदराज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस वक्त बाहर हजूम मौजूद था उसके बाद एक व्हाट्सएप का जिक्र भी आया और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें जो है, वो हमेशा बहुत अहम किरदार भी अदा करते रहे हैं अब इस मामले पर आर ने बताया कि बाकी नतयज हमें व्हाट्सएप पर मौसूल हुए उम्मीदवारों का दावा था कि उनके पास व्हाट्सएप पर नतज आ गए हैं हमने उनसे कहा कि वो नतयज हमें दे दें जो उन्होंने हमें फराहम कर दिए सत्रह पोलिंग स्टेशन से डेटा मिलने के बाद हमने उम्मीदवारों के दिए हुए नतज से मैच किया और इस वक्त इलेक्शन का जो मवाद है वो हमारी कस्टडी में है उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने एक और हैरानकन बयान दिया उनका कहना था कि चार पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके नतज पर कोई फर्क नहीं पड़ा शिकायत गुजार के फ्राम करदा कई फॉर्म ऐसे हैं जिन पर अंगूठे नहीं लगे हुए और ये पाकिस्तान में ही होता है आरओ का कहना था कि फायरिंग हुई हंगामे की इतलात भी आई स्टेशन के बाहर से जो फायरिंग हुई पीटीआई और नून लीग का एक एक कारकुन जाम भाग हुआ और फायरिंग के बाद जो वोटिंग का टर्न आउट था वो भी कुछ कम हुआ लेकिन जो पोलिंग स्टेशन से उनके अंदर किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई उसके बाद एक और दिलचस्प सवाल पूछा गया ये जो आर थे उनसे और यह सवाल था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मामले पर यानी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो के बहुत तरीके से गायब हो गए थे वो सवाल यह था कि बताएं कि ये जो गायब हुआ था अमला उसकी वजह धुंध थी उनकी कोई गाड़ी खराब हो गई थी और कितना ये टाइम लगता है उन पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में तो उस वक्त ये बताया गया कि ये साफ मौसम हो तो कोई डेढ़ दो घंटे जो हैं वो लग सकते हैं अब ये सारे जब आ, सुने गए पूरे ये किस्से और उनका ये बयान रिकॉर्ड करवाया गया तो उसके बाद बहुत ही मानी खेज किस्म के रिमार्क्स आए इलेक्शन कमीशन की जानब से जिससे थोड़ा थोड़ा अंदाजा किया जा सकता है कि ये इंत नतीजा किस नोयत का आ सकता है वो रिमार्क्स क्या थे वो भी आपको बताते हैं और आपको इसी हवाले से मरियम नवाज के एक हैरान हैरानकुन और मानी खेस स्टेटमेंट से भी आगाह करते हैं तो आपको बताएं कि वजीरजम इमरान खान ने एक इजलास चेयर किया यानी वजी अजम इमरान खान ने एक इजलास की सदारत की और इस अजलास में भी एक दिलचस्प सूरत पैदा हो गई और ये इजलास इस हवाले से हो रहा था कि डस्का इलेक्शन के हवाले से अपोजिशन ने जो धांधली के इल्ज़ाम आए किए हैं उनमें किस हद तक सदाकत है अब ये जो इजलास था इसमें जो हुकूमती वजरात है उनकी राय यह थी कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये फेयर इलेक्शन हुआ है और हमें बस अब इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इसके नतयज जारी करे यानी हुकूमती वज्रा के मुताबिक सात हजार आठ सौ वोटों की लीड से पी टी आई जीती है और इलेक्शन कमीशन को बिला तखिर अब इसके नतज जारी करने चाहिए लेकिन इस मामले में एक मोड़ आ गया और वो मोड़ ये था कि वजीरम इमरान खान ने इन वज्रा की जो राय थी उसको वीटो किया और उन्होंने कहा कि हम चूंकि नेट इलेक्शन को ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए हमने एक सदार्ती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए और मैं शफाफियत यकीनी बनाना चाहता हूं तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा फैसला यह है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो खुद जाके इलेक्शन कमीशन में यह दे पर देबैना धांधली की बात हो रही है उन बीस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए अब अबीर इमरान खान को कायल करते रहे कि ये मामला जो है इस तरह से आगे ना ले किया जाया जाए क्योंकि उनका यह ख्याल था और उनका موقف था कि यह इलेक्शन फेयर हुआ है लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हमें शफाफियत यकीनी बनाने के लिए मैं ये इकदम उठा रहा हूं अब उस पर وزیراعظم ने बाकायदा एक ट्वीट के जरिए यह बयान भी जारी किया कि हमारा उम्मीदवार درخواست देगा कि 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा انتخابات हों लेकिन मरियम नवाज ने इस मामले पर क्या रद्द अमल दिया तो मरीम नवाज ने इस मामले पर यह रद्द अमल दिया कि उनका कहना था कि वजिरान खान को ज्यादा सियान बनने की जरूरत नहीं ये मरीम नवाज के अल्फाज थे उनका कहना था कि पूरी रियासत की ताकत शेर के खौफ से जमनी इलेक्शन में धांधली के लिए झोंका गया पूरी रियासत को लेकिन फिर भी ये शिक्ष खा गए तो इलेक्शन कमीशन का अमला ही अगवा कर लिया गया ये भी तुम अपने पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हो मगर तुम्हारा तुम वापस आते हैं कि डस्का इलेक्शन की समात के बाद किस नोयत के रिमार्क्स आए जिससे कुछ कुछ अंदाजा हो सकता है कि नतीजा जो है वो किस नोयत का आ सकता है तो आपको बताए कि जब यह समात मुकम्मल हुई तो उसमें दो और सवाल किए गए एक सवाल मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर की जानब से किया गया और उनका कहना था कि आप जरा साफ अल्फाज में बताएं कि यह जो 30 किलोमीटर का रास्ता है कितनी देर में तय होता है और क्या आपने इलेक्शन कमीशन के ड्राइवर से पूछा था कि उसकी गाड़ी खराब हुई थी या कुछ और हुआ था और इसी मौके पर नून लीग के जो वकील हैं उन्होंने इलेक्शन डे के हवाले से जो बदन की एक वीडियो थी वो वीडियो भी उस वक्त वहां पर चला दी अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज